अब एक और मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि हम गूगल को पे करेंगे गूगल हमें ऊपर रैंक कर देगा आपको अक्सर ये सुनने को मिलेगा जब आप फील्ड में जाएंगे जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि गूगल कैसे काम करता है वो आपसे ये बात करेंगे तो मैं आपको ये बता दूँ कि गूगल को आप कुछ सौ या कुछ हज़ार डॉलर से कोई गर्ज नहीं है क्योंकि उसका नाइन्टी जो बिज़नेस है जो कि अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है वो एड वो इस सर्च इंजन से आता है क्या वो उस बड़ी ऑडियंस को देखे जो हंड्रेड बिलियन सर्चिस करते हैं उसके सर्च uh, इंजन पे आके मंथली हंड्रेड मिलियन सर्चिस करने वाले लोगों को देखे या आपके कुछ सौ uh, so या कुछ हज़ार लोगों को देखे जो उसको कुछ पैसे देंगे और अपने आप को रैंक कर लेंगे मैंने आपको पहले भी समझाया कि गूगल जिस दिन अपने सर्च इंजन पर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उस दिन रिजल्ट गंदे आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो लोग ऊपर रैंक करना शुरू कर देंगे जिनके पास रिजल्ट नहीं है वो सिर्फ आपको आके क्या कर रहे हैं कि वो आपसे जगह बाय कर रहे हैं दो नंबर तरीकों से जिस दिन ये होना शुरू हो गया लोग गूगल छोड़ के कहीं और चले जाएंगे कोई और सर्च इंजन आ जाएगा वो स्पेस फ़िल हो जाएगी और गूगल गूगल नहीं रहेगा सो so, गूगल ने अगर गूगल रहना है तो वो आपसे फाइट करेगा वो आपके कुछ सौ रुपये आपको वापस देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए ये मैं फ्री में जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ इसके ज़रिए एक्चुअली एथिकली वो इतने पैसे बना लेता है कि उसको आपको कुछ हज़ार रुपयों की ज़रूरत नहीं है या कुछ हज़ार डॉलर की भी ज़रूरत नहीं है तो गूगल कभी भी अपने सर्च इंजन या एल्गोरिथम को कंप्रोमाइज़ नहीं होने देगा और गूगल को आज जो गूगल बनाता है वो उसका बेसिकली ये प्रोपराइटरी एल्गोरिथम है जिसको लोग समझते हैं कि हम चीट कर लेंगे बीट कर लेंगे वो वो थक जाते हैं वो हर नहीं हरा पाते क्योंकि अल्टीमेटली गूगल ने लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है वो गूगल सर्वाइव कर सकता है आप कुछ एक्सप्लॉयड निकालेंगे गूगल देखेगा कि ये क्या हो रहा है गूगल उसको फिक्स कर देगा आप कुछ और निकालेंगे गूगल उसको फ़िक्स कर देगा एक वक्त आएगा कि आपको एक्सप्लॉयट मिलना बंद हो जाएंगे और गूगल इतना मेच्योर और इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि आपको मजदी चीज़ें मिलेंगी नहीं ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले बीस सालों में जो होता आया है लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि गूगल को हम चीट कर लेंगे सिस्टम को चीट करके ऊपर आ जाएंगे गूगल के पास पावर है मैन पावर की गूगल के पास पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसके बाद मशीन लर्निंग की पावर है ये सब चीज़ें मिल जब एक चीज़ और लिखने वाले वो हैं अपना एलगोरिज्म लिखने वाले वो लोग हैं हम उनके एलगोरिजम पे खेल कर उनको कहते हैं जी हमने आपको चीट कर लिया आप इमेजिन करें कितनी मजाक आखेज़ बात है ये कि हम गूगल को ये कहते हैं जी हमने गूगल को चीट कर लिया गूगल ने ही आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है ये एस सी ओ एग्जस्ट ना करती अगर ये गूगल ना होता ये एस सी ओ एक एज एन इंडस्ट्री इस पर इतना बिजनेस चलता है लोग पैसे लगाते हैं इतने लोगों का रोज़गार लगा हुआ है मैं आपको डी जी स्किल्स डॉट पी के पर ये पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि गूगल गूगल है अगर गूगल गूगल नहीं रहेगा तो आप इमेजिन करें ये सारी जॉब्स ख़त्म है ये कोर्सेज़ ख़त्म है ये सारी अपॉर्चुनिटी ख़त्म है हम वो डार्क एजेस में वापस चले जाएंगे जहाँ पर हमें गूगल के बगैर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी मैंने पहले भी आपको बताया कि गूगल ने लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं आप इमेजिन करें कि जब गूगल नहीं होगा तो आप कैसे सर्च करेंगे कभी सोचा है कि गूगल ना हो तो क्या होगा अगर यूट्यूब ना हो तो वीडियो कैसे आप देखेंगे हमें इस कदर आते पड़ चुके हैं कि अब हम इसके बगैर इमेजिन नहीं करते अपनी लाइफ को कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि जी फेसबुक पे भी वीडियोस आती हैं फेसबुक की वीडियोस आती हैं टाइम के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं उस वक्त आपको जो नज़र आ रहा होता है वो वीडियोज़ आप देखते हैं लेकिन आप मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वक्त फेसबुक पर कौन वीडियो देख रहा है गूगल में ये फैसिलिटी है कि आप जब मर्जी जाएँ आप जाके सर्च करेंगे वो सर्च का रिज़ल्ट आपको तब मिल जाएगा जब आप ढूंढेंगे उसमें ये पाबंदी नहीं है कि आपने लॉगिन किया तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करें गूगल एक डिमांड प्लेटफॉर्म है बाकी प्लेटफॉर्म डिमांड प्लेटफॉर्म नहीं है और गूगल की जो आ, क्या कहते हैं सर्वाइवल है वो सर्च इंजन है और सर्च इंजन जब तक आ, चलता रहेगा तब तक गूगल भी चलता रहेगा और जब तक सर्च इंजन रहेगा तब तक एस रहेगी और एस रहेगी तो ये सारी चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं सारे बिजनेसज़ सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये भी रहेंगी और ये इतने इंटरकनेक्टेड हैं आपस में इसके ये एक पूरा इको बन चुका है कि आई डोंट थिंक कि ये इतनी जल्दी ख़त्म होगा हाँ चेंज ज़रूर होगा अपडेट ज़रूर होगा और पहले भी हम बात कर चुके हैं आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे और जो इवोल्व करेगा वो आगे जाता जाएगा